check whether how check whether this chain rule is working or not. So a function is given and g is given, f and g are given. We are supposed to find, we are supposed to prove that whether chain rule is working or not. That is Jacobian of h of a, that is equal to Jacobian of f of g of a into Jacobian of g of a. So let us do that. So in this case, f of x comma y, it is given as 3x cube plus 4xy comma y square plus 3x and comma x square plus y square. So if you would like to find the Jacobian of this, तो वो कौन सा मैट्रिक्स आएगा? What will be the order of that matrix? Can somebody tell me? What will be Jacobian of this? Where it is going from? F कहाँ से कहाँ तक है? It is from R2 to R3. What will be the order of matrix? Anyone? What will be order of matrix? Your function is from R2 to R3. So your matrix will be from, perfect, 3 cross 2, very nice. And what will be the vectors? Pehle vector mein kaun aayega? There are 3. Isko F1 bol do, isko F2 bol do, isko F3 bol do. So the first vector will be del F1, del F2, del F3. So what is del F1 actually? You can directly do, but I would like to write it first. ये f1 का with respect to x, f1 का with respect to y, f1 का with respect to z, correct? You can put a bracket if you want. Then f2 का with respect to x, f2 with respect to y, f2 with respect to z, correct? Next f3 with respect to x, f3 with respect to y, F3 with respect to Z. Let us quickly calculate and कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या? 3 क्रॉस 2 चेन F Z कोऑर्डिनेट नहीं है ना, I'm sorry. There is no Z. There is no Z कोऑर्डिनेट. So tell me quickly what is F1 with respect to X. This is your F1 with respect to X किया तो क्या आएगा? It is 9x square na plus 4y. F1 with respect to x ho gaya, F1 with respect to y kiya to it will be just 4x. F1 hua, F2 with respect to x kiya it is 3, with respect to y it is 2y, and F3 ka kiya to it is 2x 2y. Is that clear? So this is Jacobian of this. Jo point pe chahiye tha tumko wo point pe nikal lene ka agar chahiye to, theek hai. So same g of यू वी डब्ल्यू का चाहिए था, जी ऑफ यू वी डब्ल्यू, इट वॉज यू वी डब्ल्यू कॉमा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. वट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस जैकोबियन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा? यस, वट विल बी ऑर्डर ऑफ दिस? एनीवन? कोई पॉइंट पे चाहिए था ना अपने, ठीक है. व्हाट विल बी ऑर्डर ऑफ दिस? थ्री क्रॉस टू ना, सो इट विल बी टू क्रॉस थ्री, करेक्ट? टू क्रॉस थ्री मतलब यहाँ पे कौन है, जी वन और जी टू है. सो इसको और मैं लिखता हूँ यहाँ पे, डेल जी वन आएगा, इधर डेल जी टू आएगा, करेक्ट? सो अगर एक्सपांड फॉर्म में लिखा तो ये क्या आएगा, जी वन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जी वन विथ रिस्पेक्ट टू सॉरी एक्स वाई नहीं है ना यहाँ पे, जी वन विथ रिस्पेक्ट टू यू, जी वन विथ रिस्पेक्ट टू वी, जी वन विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, सेम जी टू विथ रिस्पेक्ट टू ई, जी टू विथ रिस्पेक्ट टू वी, जी टू विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, दैट्स इट. लेट अस क्विकली डू. ये तुम्हारा जी वन है एंड दिस इज जी वन, दिस इज जी टू,
ओके कौन टेल मी क्या आएगा आंसर बोलो. जी वन विथ रिस्पेक्ट टू यू किया तो इट विल बी वी डब्ल्यू. जी वन विथ रिस्पेक्ट टू वी किया तो इट विल बी यू डब्ल्यू एंड इट विल बी टू यू. नो टू डब्ल्यू चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू इट विल बी टू डब्ल्यू. वट अबाउट जी टू विथ रिस्पेक्ट टू यू. सॉरी सिर्फ यू का जी वन का देखना था हमने. विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू किया तो इट विल बी जस्ट यू वी. ये हो गया. इधर क्या आएगा टू यू टू वी टू डब्ल्यू. दैट्स इट. समझा ये दोनों मिल गया अपने को. नाउ लेट अस फाइंड व्हाट अबाउट कंपोजिशन फंक्शन. एफ एंड जी इज गिवेन एंड यू वुड लाइक टू फाइंड एफ कंपोजिट जी. एफ का ऑर्डर क्या है. व्हाट इज एफ. आर टू क्रॉस आर थ्री. एंड उसका वैल्यू भी लिख लेता हूँ मैं. एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट. 3x³ प्लस 4xy कॉमा वाई स्क्वायर प्लस 3x कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. सो दिस इज एफ ऑफ एक्स वाई. एंड जी क्या है. जी वॉज फ्रॉम आर टू टू आर थ्री टू आर टू ना. आर थ्री टू आर टू. एंड वट इज जी ऑफ यू वी डब्ल्यू. इट वॉज यू वी डब्ल्यू इन कॉमा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. कैन यू टेल मी वट इज एफ कंपोजिट जी. एफ कंपोजिट जी ऑफ सम ई अगर बोला तो. वट विल बी डोमेन एंड वट विल बी रेंज ऑफ दिस एफ कंपोजिट जी. यस हाउ डू यू सॉल्व एफ कंपोजिट जी. इट इज एफ ऑफ जी ऑफ ए ना. सो दैट मीन्स ए इज फर्स्ट गोइंग टू जी. सो इफ ए इज गोइंग टू जी दैट मीन्स जो जी का तुम्हारा डोमेन रहेगा वही एफ कंपोजिट जी का डोमेन रहेगा. सो वट इज जी का डोमेन. दैट इज आर थ्री. तो एफ कंपोजिट जी का डोमेन आर थ्री. डू यू सी एफ कंपोजिट जी ऑफ ए. सो दिस ए इज फर्स्ट गोइंग टू जी. सो दैट इज जी ऑफ ए. दैट मीन्स जो ए का डोमेन है दैट इज सॉरी जो जी का डोमेन है दैट विल बी सेम एज डोमेन ऑफ एफ ऑफ जी. एंड वट इज रेंज. रेंज किससे सेम आएगा. सी आंसर इज एफ ऑफ समथिंग. एफ ऑफ समथिंग मतलब क्या. जो एफ का रेंज आएगा वो तुम्हारे एफ कंपोजिट जी का रेंज आएगा. सो दैट इज आर थ्री टू आर थ्री. इज दैट क्लियर टू यू. कैसे किया मैंने समझा. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम की डोमेन रेंज क्या आएगा. सो यू जस्ट राइट एफ कंपोजिट जी ऑफ ए. दैट मीन्स वॉट एफ ऑफ जी ऑफ ए. सो ए इज फर्स्ट अप्लाइड टू जी. बट जी में डोमेन क्या है थ्री है. सो ई मस्ट बी ऑल्सो अ थ्री वैक्टर. सो दैट इज आर थ्री. एंड रेंज दैट इज एफ ऑफ समथिंग. सो दैट इज इमेज ऑफ एफ. इमेज ऑफ एफ इज रेंज सेट. दैट इज को डोमेन. दैट इज आर थ्री. सो इट इज आर थ्री टू आर थ्री. नाउ कैन यू फाइंड दैट एफ ऑफ सी ई का वैल्यू. अगर मैंने यू वी डब्ल्यू बोलो सपोज. सो जी ऑफ ए क्या आएगा. इट विल बी दिस एफ ऑफ यू वी डब्ल्यू कॉमा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. इन नेक्स्ट केस इट विल बी एफ ऑफ दिस. सो मतलब ये पूरे फंक्शन में एट द प्लेस ऑफ एक्स यू हैव टू पुट यू वी डब्ल्यू एंड एट द प्लेस ऑफ वाई यू हैव टू पुट दिस. सो लेट अस राइट. सो दिस विल बी थ्री यू वी डब्ल्यू का क्यूब प्लस फोर टाइम्स यू वी डब्ल्यू इंटू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर. ये हो गया कॉमा. द नेक्स्ट गाय इज वाई स्क्वायर. दैट इज यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू. यू डोंट हैव टू एक्सपांड दिस ओके. बिकॉज इन पर्टिकुलर दे आर आस्किंग फॉर पर्टिकुलर नंबर. सो जस्ट अपने को वो चाहिए. ये सबसे कोई लेना देना है नहीं. ये हो गया यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर. क्या लिखा हम लोगों ने. दिस इज वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री यू वी डब्ल्यू. ये हो गया. एंड वट इज लास्ट थिंग. फिर एक कॉमा लिया. दैट इज एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर. सो इट इज यू वी डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर द होल स्क्वायर. दैट्स इट. क्लोज द ब्रैकेट. सो दिस इज योर एफ कंपोजिट जी ऑफ ए.
So what you have to prove, Jacobian of F composite G of E, it is same as Jacobian of F of G of E into Jacobian of G of A. This is what you are supposed to prove. See, Jacobian of F nikala hai hum log ne, but usme G of A put karna hai abhi. Look at the first thing. Yeah, Jacobian of F of X comma Y nikala hai na. Abhi mujhe kya calculate karna hai? Jacobian of F of G of A. Correct? That means it is Jacobian of, अभी a का वैल्यू आई थिंक क्वेश्चन में दिया था समथिंग 1 माइनस 1 कुछ तो था, a इज 1 माइनस 1 माइनस 1, सो दिस इज a, सो दिस इज Jacobian of g of 1 माइनस 1 माइनस 1, सो व्हाट इज दैट Jacobian of f of g of 1 माइनस 1 माइनस 1, अभी g देखो कहाँ पे है, वेयर इज g, यहाँ पे 1 माइनस 1 माइनस 1 पुट किया तो दिस विल बी 1, और ये क्या आएगा 3, 1 एंड 3 आएगा, करेक्ट, सो दिस विल बी एफ ऑफ 1, 3, सो कैन यू फाइंड द मैट्रिक्स क्विकली, जस्ट पुट इट इन द मैट्रिक्स, Jacobian ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई का ये वैल्यू है ना, 1 एंड 3 पुट किया तो ये क्या आएगा, इट विल बी 12, 12 एंड 9, 21, ये 21 आ गया, एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 3, दिस इज 6 and next it is 2 and next it is 3 to the 6, that's it. So this is yahan se Jacobian of f of g of a mil gaya. Next what you need, Jacobian of g of a chahiye. So Jacobian of g of a, that means Jacobian of 1 minus 1 minus 1 chahiye. So from in this you have to put 1 minus 1 minus 1. So wo kya aayega dekho, pw matlab ye ho gaya 1, ye ho gaya minus 1, ye ho gaya minus 1. यू वी, हाँ ये भी हो गया माइनस वन, टू यू विल बी टू माइनस टू एंड माइनस टू, ये भी मिल गया, करेक्ट. नाउ कैन यू गेट द राइट हैंड साइड क्विकली, राइट हैंड साइड विल बी जस्ट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू पीपल जो अभी जस्ट मैंने फाइंड आउट किया. नाउ द मेन थिंग इज यू हैव टू फाइंड दिस दिस गाय Jacobian of एच ऑफ ए, हाउ विल यू कैलकुलेट दिस Jacobian of एफ कंपोजिट जी, तो लेट अस सी एफ कंपोजिट जी ऑफ ए क्या मिला है तुम्हारा, ये मिला है, इट इज़ एक्चुअली 3 वेक्टर, सो आई डायरेक्टली राइट, पहले एफ कंपोजिट जी लिख लेता हूँ मैं, एफ कंपोजिट जी इज इक्वल टू, ओ जाने दो नहीं लिखता हूँ डायरेक्ट, आई विल राइट Jacobian ऑफ दैट, Jacobian ऑफ एफ कंपोजिट जी, सो इट विल बी वॉट, डू यू सी ऑर्डर क्या रहेगा इसका, it will be 3 vectors and u v w yes 3 and 3 it will be 3 cross 3 so it is 3 cross 3 so there are 3 a vectors f composite so ye ho gaya f composite g 1 f composite g 2 f composite g 3 aisa matlab it will be f composite g 1 with respect to x f composite g 1 with respect to y, x y नहीं है ना, sorry ये u v w है, because it will be same as domain of u v, then f composite g of 1 with respect to w, then f composite g 2 u, f composite g 2 v, f composite g 2 w, here also f composite g 3 u, F composite G 3 V, F composite G 3 W. Let us quickly calculate and see क्या आएगा. With respect to U किया तो क्या आएगा देखो. With respect to U किया तो ये भी जाएगा. It will be 3 3s are 9, 9 U square V cube W cube. So it will be 9 U square V cube W cube. Plus and from here it will be again u ko either multiply kiya to either u into v lagega actually it will become very lengthy but haan karna to hai hi to you have to do that fir ye complete karo ye dono ka product main nikal leta that is right hand side nikal leta hu you do the left hand side एंड लास्ट में यू वी डब्ल्यू का दैट इज़ Jacobian ऑफ एफ एफ
कंपोजिट जी एट वन माइनस वन माइनस वन पुट करना है. यू विल सी दैट दोनों का प्रोडक्ट जो है दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड विल बी योर विल बी सेम. दिस इज़ योर चेन रूल एक्चुअली. दिस इज एफ जैकोबिन ऑफ एफ कंपोजिट जी ऑफ इट विल बी जैकोबिन ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ ए. जस्ट टू रिकॉल एवरीथिंग एफ वॉज फ्रॉम आर टू टू आर थ्री जी वॉज आर थ्री टू आर टू. आई वॉज सपोज टू फाइंड एफ कम्पोजिट जी एंड वी वॉज सपोज टू फाइंड दिस एच को मैंने बोल दिया था एफ कम्पोजिट जी. दैट इज़ ओके. सो आई होप यू कैन डू दैट. ओके एंड लेट अस डू सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन चेन रूल. Find dou z by dou s and dou z by dou t when s equal to 1 and t equal to minus 1. And the question is given this z equal to e raised to x y into tan y and x is given as s plus 4t square and y is given as st. How will you do this? You would like to find dou z by dou s. So simple, जैसे पहले करते थे वही करेंगे हम लोग. We are supposed to find dou z by dou s. But you see z is in terms of x and y and x is in terms of s and t. So कैसे लिखेंगे chain rule? It will be dou z by dou x into dou x by dou s plus dou z by dou y into dou y by dou s. That's it. You just have to find this thing and put it. करेक्ट. तो क्या आएगा बोलो. डू जेड बाई डू एक्स निकाला तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या, तो इट विल बी जस्ट सेम थिंग ई रेज टू एक्स वाई इंटू टेन वाई मल्टीप्लाई बाय डू एक्स बाई डू एस निकाला तो इट विल बी जस्ट वन प्लस डू जेड बाई डू वाई इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या, तो इट विल बी यू इंटू वी फॉर्मूला and u into v or dou y by dou s kya aega, it will be t. So it will be t multiply by u into v apply karte dekho. E raised to x y as it is tan y ka derivative 6 square y plus tan y as it is e raised to x y as it is multiply by x. That's it. Now you have to put when s equal to 1, t equal to minus 1, you have to find x and y also. S equal to 1, t equal to minus 1, what will be x? That is s plus 4t square, that is 1 plus 4, that is 5. And what is y? It is st, that is minus 1. So you have to put everything here and get the answer. That's it. करेक्ट. इफ इट इज इन थ्री वेरिएबल एक्स वाई जेड होता तो देयर विल बी वन मोर टर्म अगर और होता ये तो. एक्स वाई और डब्ल्यू बोल दो, देयर वर थ्री टर्म्स देन वो और आगे जाता. यू ऑलवेज रिमेंबर दैट ट्री डायग्राम जो हम लोगों ने बताया था. यूज ट्री डायग्राम टू राइट द चेन रूल. ओके सो u equal to, I am given f of s comma t and s is again in terms of w, x, y, z and t is again in terms of w, x, y, z. So how will you do? Let us make the tree diagram. सबसे ऊपर कौन आएगा? u आएगा. u is divided into two parts, that is s and t. Correct? And s is again divided into four parts.
यू रिमेंबर दिस ट्री डायग्राम, कभी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं रहेगी. डब्लू एक्स वाई जेड, हियर ऑल्सो डब्लू एक्स वाई जेड. कैन यू राइट द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट वन? डू यू बाई डू डब्लू, क्या आएगा? डू यू बाई डू डब्लू, डू यू बाई डू डब्लू छः ना, तो डू यू बाई डो एस, डू एस बाई डू डब्लू, प्लस इधर भी डू डब्लू है ना, डब्लू मतलब यहाँ और यहाँ पे दोनों है. सो यू हैव टू टेक ऑल दिस थिंग टुगेदर. यू हैव टू टेक दिस गाय एंड दिस गाय एंड हियर ऑल्सो दिस गाय एंड दिस गाय. सो दैट विल बी डू यू बाई डू डब्ल्यू का फॉर्मूला. लेट मी राइट द फॉर्मूला विल बी वॉट? डो यू बाई डो एस इंटू डो एस बाई डो डब्ल्यू प्लस डो यू बाई डो टी इंटू डो टी बाई डो डब्ल्यू. दैट्स इट, फर्स्ट फॉर्मूला हो गया. इफ समबडी आस्क व्हाट इज डो यू बाई डो एक्स, देन कैसे निकालोगे? सेम थिंग, लुक एट द ट्री डायग्राम. एक्स कहाँ पे है? यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे एक्स है, करेक्ट. सो इट विल बी डो यू बाई डो एस इंटू डो एस बाई डो एक्स. ये हो गया डो यू बाई डो टी इंटू डो टी बाई डो एक्स हो गया. सो दैट इज डो यू बाई डो एस इंटू डो एस बाई डो एक्स प्लस डो यू बाई डो टी इंटू डो टी बाई डो डब्ल्यू. दैट्स इट. सिमिलरली राइट डो यू बाई डो वाई एंड डो यू बाई डो एक्स जेड. सिमिलरली यू कैन राइट दिस, करेक्ट. रिमेंबर दिस चेन रूल, दैट्स इट. ओके, नेक्स्ट इम्प्लिसिट फॉर्म का जो मैंने आई थिंक स्टार्ट में डिस्कस किया था, आई थॉट आई मिस्ड इट बट आई वॉज नॉट. लेट अस टॉक इट अबाउट दिस. सपोज दिस इज जस्ट एप्लीकेशन. सपोज योर फंक्शन जेड इज इन टर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड वाई इज गिवन इन इम्प्लिसिट फॉर्म, इज गिवन इन इम्प्लिसिट फॉर्म. Implicit form means what? F of x comma y comma z equal to 0. And you cannot write easily that z equal to f of x y. That is the question. If z is f of x y is given in implicit form, this form, then you would like to use chain rule. So kya use karenge? Using chain rule, you can find same thing. Dou f by dou x into dou x by dou x plus dou f by do y. Remember one thing, z is in terms of x and y, correct. So other x and y is independent. So do y, it will be do y by do x plus do f by do z by do x. So in general I am writing implicit form. Now you have to write, yeah, in general I wrote the chain rule. Chain rule hota kya hai? डो एफ बाई डो एक्स, डो एक्स बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई, डो वाई बाई डो एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सबने को देखना था, करेक्ट. नाउ रिमेंबर वन थिंग, वट इज डो एक्स बाई डो एक्स? दिस इज वन, हियर ओनली आल राइट, दिस गाय इज वन, करेक्ट. एंड वट इज डो वाई बाई डो एक्स? एक्स एंड वाई इज इंडिपेंडेंट ना, बिकॉज जेड इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एंड वाई, बट एक्स एंड वाई इज इंडिपेंडेंट. सो डो वाई बाई डो एक्स ये तो ये भी जीरो आएगा, correct. So what we are remaining with two things. It will be what? It will be dou f by dou x into 1 plus dou f by dou z into dou z by dou x, that is equal to 0. Apne ko find out kya karna tha? Dou z by dou x. So from here, if you want to find dou z by dou x, it will be what? Dou f by dou x माइनस में, एक्चुअली माइनस डो एफ बाई डो एक्स अपॉन डो एफ बाई डो जेड, करेक्ट. हियर यू गॉट दैट. सिमिलरली अगर तुमको वो चाहिए तो
हियर जेड वॉज, अभी विथ रिस्पेक्ट टू वाई चाहिए तो इसको पूरा वाई में करो, डो एफ बाई डो वाई, डो वाई बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो वाई, डो एक्स बाई, सो सेम यू हैव टू विथ रिस्पेक्ट टू वाई करना है अभी. सपोज यू वुड लाइक टू फाइंड डो एफ बाई डो वाई, अगर फाइंड आउट करना है तो. सो सिमिलरली यू कैन सी वट वट इज़ द नेक्स्ट थिंग, डो जेड बाई, अगर डो वाई फाइंड आउट करना है तो उसका आंसर क्या आएगा, इट विल बी माइनस डो एफ बाई डो वाई एंड डिवाइड बाय डो एफ बाई डो जेड. सो इस पे क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व किया है तो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. यू कैन टेक वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वुड बी वट कि आई कैन नॉट सेपरेट, आई कैन नॉट राइट द फंक्शन. एग्जाम्पल से एक्स वाई जेड इक्वल टू से कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड. And in the question they are asking find dou z by dou x and dou z by dou y. You already know you cannot write this whole function in this form. You cannot write it z equal to f of x y. Correct? So better use chain rule. What do you know chain rule? Dou z by, whenever you say this is the function, so write f of x y z equal to this x y z minus cos of x plus y plus z and use the formula. डो जेड बाई डो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, इट विल बी माइनस डो एफ बाई डो एक्स डिनोमिनेटर वाला एंड एड बाई डो एफ बाई डो जेड. सिमिलरली टू द सेकेंड वन, डो जेड बाई डो वाई क्या आएगा, इट विल बी माइनस डो एफ बाई माइनस डो डो एफ बाई डो वाई अपॉन डो एफ बाई डो जेड. सो यू शुड ट्राई टू डू दिस. करेक्ट, आई लीव दैट बिकॉज हम लोग ने पहले ही वो किया है. ओके, लेट अस डू सम मोर.